जोमैटो से ऑनलाइन हम सब खाना तो मंगाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे जोमैटो के बारे में ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको भी मालूम नहीं होंगे। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और आखिर में मिलेगा आपको बोनस फैक्ट। तो क्या आपको पता है जोमैटो का नाम पहले जोमैटो नहीं था, उसका नाम फूडी बे था और ये नाम 2010 में जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने चेंज किया था। और इन्होंने नाम इसलिए चेंज किया था क्योंकि नाम ईबे से मिलता जुलता था और इनसे इनको अपने ब्रांड की आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगी। और क्या आपको पता है जोमैटो नाम का कोई मतलब नहीं है। जोमैटो के सीईओ ने इस कंपनी का नाम टोमेटो वर्ड से इंस्पायर होकर चेंज किया था। क्या आपको पता है जो बंदे जोमैटो में काम करते हैं उन्हें जोमैन कहते हैं, चाहे वो वुमेन ही क्यों ना हो। आपको सिर्फ यही लगता होगा कि जोमैटो खाली इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन क्या आपको पता है जोमैटो इंडिया के अलावा 24 और देशों में भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ अभी तक इनके प्लेटफॉर्म पर 10 भाषाओं का सपोर्ट भी है और जोमैटो के साथ 1.2 मिलियन रेस्टोरेंट्स लिस्टेड है। क्या आपको पता है जोमैटो कंपनी के पास 8 करोड़ एक्टिव मंथली यूजर्स है जो कि उनकी ऐप चलाते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर भी जोमैटो लॉस में चल रहा है और जोमैटो का ये मानना है कि 2020 में वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो क्या आपको पता है एक बार लखनऊ में किसी ने 16,800 रुपए का एक सिंगल ऑर्डर किया था और ये जोमैटो पर अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो आइए चलते हैं बोनस फैक्ट की तरफ। तो क्या आपको पता है जोमैटो ने अपने शुरुआती दौर पर पॉर्न वेबसाइट्स पर ऐड डाली थी और जोमैटो को वहां से बहुत ज्यादा फूड ऑर्डर्स मिले थे। और अगर हम स्टैट्स के अकॉर्डिंग जाए तो सबसे ज्यादा ऑर्डर दिल्ली के हॉस खास से आए थे। इस कंसेप्ट के पीछे जोमैटो का मानना था व्हेन पीपल वॉच पॉर्न दे गेट हंग्री, लेकिन फिर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई और जोमैटो ने पॉर्न वेबसाइट से अपनी एड्स हटा दी। और साथ साथ मैं बता दूं जोमैटो का एक फूड पॉर्न ब्लॉग भी है और आप www.zomato.xx टाइप करके वेबसाइट देख सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया जाना होगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपसे और आप मुझसे जल्दी मिलोंगे अगले वीडियो में। इट्स योर मनाल साइनिंग आउट।